हेलो ऑनलाइन फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। मैं बहुत बढ़िया हूँ, होपफुली आप सब भी बढ़िया होंगे। तो गाइस, मैं आज बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, बहुत ज़्यादा ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि आज मेरे खास दोस्त की शादी है। और इस वक्त मैं हूँ गुड़गांव में, और मेरे जो दोस्त की शादी है वो है ग्रेटर नोएडा। तो अभी मैं वहाँ जा रहा हूँ, और ये शादी में बहुत ज़्यादा मस्ती होने वाली है, बहुत ज़्यादा फन होने वाला है। तो आइए आपको ले कर चलता हूँ और एक एक चीज़ दिखाऊँगा आपको वहाँ पर। तो बने रहिए वीडियो में। गाइस, मैं पहुंच चुका हूँ नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी, और अभी मेरा फ्रेंड आ रहा है लेने, जिसकी शादी है। तो ये चलता हूँ और मिलते हैं और आपको और आगे दिखाता हूँ। तो गाइस, अपने पहुंच चुके हैं शादी में। ये अपना भाई है जतिन। तो भाई कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है भाई, तेरे से भी मिल गए, हमारे बिल्डिंग की शादी है। अभी आपको हमारे दोस्त से मिलाते हैं। ये भाई हमारा पंड्या, ये हमारा प्यारा मित्र है, इसकी वीडियो पे ठोका कर रोटी खा गए। तो गाइस, अब जा रहे हैं हम, शगन है अभी 4:30 बजे, अभी मोस्टली टाइम हो गया है। तो बस तैयार होके हम निकल रहे हैं, और फिर आगे मैं आपको और दिखाता हूँ शगन में क्या क्या होता है, और रात का फिर आपको पता ही, रात में शादी है तो मिलते हैं। शादी भाई रात को ही होती है, दिन में किसकी होती है? नहीं, रात में तो होती है, बट रात में क्या क्या होगा, मजे क्या क्या होगा, तो वो रात में पता चलेगा। मजे तो भाई रात को बहुत होंगे, एंजॉय करेंगे। तो मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। तो गाइस, मैं यहाँ पे पहुँच चुका हूँ, जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये है मेरा दोस्त मोहित, जिसकी शादी है आज। भाई बहुत बहुत मुबारक आपको। धन्यवाद भाई। और कैसा लग रहा है, घोड़ी पे चढ़ने वाले हो आप? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया लग रहा है जी। तो देख सकते हैं आप, सूट वूट में एकदम बढ़िया लग रहा है। तो अभी हम जा रहे हैं, कितने बजे फंक्शन? 5:30 फंक्शन है, मैंने आपको 4:30 बताया था, एक्चुअली 5:30 फंक्शन है। बस हम सारे रेडी हो रहे हैं और उसके बाद हम निकल रहे हैं। तो वहाँ जाके फिर आपको दिखाते हैं क्या सीन है, क्या क्या होने वाला है। तो आगे आपको दिखाता हूँ, बने रहिए वीडियो में। तो गाइस, रेडी मैं हो चुका हूँ और अब मैं निकल रहा हूँ फंक्शन के लिए। तो आइए चलते हैं और आपको दिखाता हूँ वहाँ पे। अभी हम जा रहे हैं फंक्शन पे, बट मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, बारिश चालू हो गई है, और बहुत किस्मत वाले होते हैं जिनकी शादी में बारिश आती है। तो फिर साथ में सौरभ है, और बस हम पहुँचने वाले हैं 5 से 10 मिनट में, फिर आगे दिखाते हैं आपको। तो गाइस, मैं यहाँ पे पहुँच चुका हूँ, बट यहाँ पे बारिश इतनी आ रही है कि अभी एक बार फंक्शन एक बार रुक गया है, और मैं अभी छत पे हूँ, और आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा यहाँ पे बारिश आई है, और अभी भी आ रही है बूंदाबांदी। तो अभी थोड़ी देर में फंक्शन चालू होगा, फिर आपको दिखाते हैं क्या रहता है इस फंक्शन में, बने रहिए वीडियो के अंदर।
क्या बात है भाई। तो गाइस अभी हम हैं भाई की शादी में और मेरे साथ में है मेरे भाई लोग। भाई बताओ यार अपने बारे में। हाय, माय नेम इज अमृतपाल सिंह। हाय, माय नेम इज इंदखावन। सो अभी हम सारे इकट्ठे हुए हैं और जैसा कि आपने मोहित से मैंने आपको मिलवाई दिया था, तो अभी जस्ट अभी स्टेज की रस्में वगैरह शुरू हुई थी। स्टेज की अभी रस्में अभी जस्ट अभी ख़त्म हुई हैं और अभी हम अब जा रहे हैं कुछ खाने खा के फिर आएंगे। दोबारा आते हैं, दोबारा से गुफ्तगू करते हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी करनी बाकी हैं, दिखाते हैं आपको थोड़ी देर में। इंतकाब से आए टू आवर व्यूअर्स, गोलगप्पे क्या खाएगा तू? क्या खा रहा है? बल्ले पापड़ी खा रहा है। हाँ, पहले गोलगप्पे नहीं खा रहा, गोलगप्पे खा ले पहले। नहीं, पहले क्या खाएगा तू? पहले ये बता। चल ये ट्राई कर, खा के बता कैसे, टेस्ट करके बता कैसे है। आलू टिक्की, आलू की टिक्की है गाइस, खाने में काफी टेस्टी है, बहुत बढ़िया। इन्होंने डाला क्या इसमें, क्या क्या डाला है? हरी चटनी, दही, सॉस, आलू की स्टफिंग है। हम लोग आज हर एक चीज को ट्राई करने वाले हैं, खाना है बहुत बढ़िया। तो गाइस 12 बज चुके हैं और अभी बहुत ज़्यादा थक चुके हैं, अभी तक हमने खाना तक नहीं खाया, खाना नहीं खाया, उस वजह से अभी परेशान है और देखते हैं और अब प्लेट भी मिलता है कि नहीं मिलता है। मतलब इतनी भीड़ थी यहाँ पे और हम नाच नाच के पैदल, इतना थक के स्टेज पे, इतना जैसा कि मैंने आपको दिखाया थोड़ा बहुत, तो अभी बस अब खाना खा रहे हैं और आज पूरी रात वैसे प्रोग्राम होगा, उसके बाद देखते हैं आपको मंडप दिखाएंगे, मंडप दिखा फेरे दिखाएंगे स्पेशली, मतलब हमने को सुबह तो हो ही जाएगी क्यों। और ये बात है कि बस हमारा भाई खुश रहे, बिल्कुल इसके लिए दुआ करते हैं। बिल्कुल
तो सुबह तो हो ही जाएगी अपना को। सुबह हो जाएगी, सुबह निकलेंगे। अभी जो है अभी जो पैसे वगैरह देते हैं, शगुन वगैरह देते हैं, वो भी चल रहा है, उसका अभी कार्यक्रम चालू, फोटो वगैरह चालू है, शगुन का भी लेन देन चालू है, तो उसमें अभी टाइम लग रहा है। और खाने का भी वेट कर रहे हैं, क्योंकि खाना अभी लगेगा टेबल पे, खाना वाना खाएंगे, साथ में सारे भाई लोग बैठे हैं। बाजी हाय कर दो कन्या। पारस हाँ हाँ कराना कराना तेरा काम कराना ओ कराना कराना, दो मिनट रुक जा कराना। साढ़े साढ़े अभी रह गए थे आप, चलो मैं तो गाइज अभी खाने खाने के बाद फिर से आप एनू एक कुड़ी पसंद आ गई है, तो नाले एमएनओ के अंदर पे आप गूगल कराओ। तो अभी हम जा रहे हैं, अभी हम जाने वाले हैं, देखते हैं, बात बात करते हैं भाई के लिए, थोड़ा सा हम सेटिंग वेटिंग करते हैं, शादी का माहौल है तो थोड़ा बहुत पता है कि शादी के माहौल में थोड़ा बहुत तो बात होती है। वो है ना गाना पंजाबी वेडिंग है, पंजाबी गर्ल की नहीं पंजाबी वेडिंग है, दारू चलती है। मुझे नहीं आइडिया भाई, लड़कियाँ मुझे नहीं आइडिया भाई। हाँ मुझे उर्दू सुना दो, मुझे आइडिया नहीं है। अच्छा नहीं मुझे नहीं आइडिया नहीं है, मैं नहीं बोल रहा। अच्छा अच्छा मुझे कोई आइडिया नहीं है। नहीं नहीं एक गाना है आपने देखा होगा सोनू की टीटी की स्वीटी का कि पंजाबी वेडिंग, ये पंजाबी है, ये पंजाबी इसे आती है, मुझे नहीं आती, मैं उर्दू बोलता हूँ। वीरे कराने है तेरा काम कराने, रुक जा दो मिनट कराना, मैं कराना कराना तेरा काम कराना, ऐसा काम बाकी है तो मैं आपको बताता हूँ क्या रहता है इसका काम कराने के बाद में, हम बात करते हैं वो लड़की से, बाकी सब कुछ दिखाएंगे दोस्त, आप लोग बने रहिए वीडियो में इसी तरह। हाँ थोड़ा सा आपको और माहौल दिखाते हैं शादी आदि का, बने रहिए, बोर नहीं करेंगे आपको, ठीक है, धीरे धीरे इंटरेस्टिंग चीज़ें होती जाएगी। आप लोग का सपोर्ट चाहिए थोड़ा सा, बस दुआ सपोर्ट और प्यार चाहिए, तो चीज़ें भी और अच्छी होती जाएंगी। अभी दिखाते हैं, थोड़ी देर में मिलते हैं आप। सारे भाई लोग खाना खाते हैं, ये गाइस टाइम देख सकते हैं आप, ये आप टाइम देख सकते हैं गाइस, सवा एक हो रहे हैं रात के और अब हम खाना खा रहे हैं, ये टाइम मिला है हमारे को। तो गाइस अब खाना खा रहे हैं हम जाके, कब से सोचा था खाना खाएंगे खाना खाएंगे, बट अब फाइनली हम खाना खाने बैठे हैं। कैसा लग रहा है भाई लोगों को खाना? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, चिकन तंदूरी के साथ खाना खा रहे हैं। आपसे आपसे मिलके बहुत बढ़िया लगा। थैंक यू सो मच, आप बहुत आरामी हो। थैंक यू। वॉलिन आ जाएगा इस वीडियो में, आराम से खाइए, कोई नहीं टैग कर वॉलिन, कोई नहीं मिल जाएगा आपको, YouTube टैगलाइन मारेगा आपको, वीडियो बनाने का टाइम मिलेगा, प्लीज आप खाना खाइए। तो गाइस हम आपको मिलते हैं खाना खाने के बाद में। तो मिस्सी रोटी है इनका, कैसा लग रहा है खाना? बहुत अच्छा लग रहा है भाई, बहुत बढ़िया लग रहा है। क्या क्या भैया मिस्सी रोटी थी है, क्या क्या खाने में इंग्रेडिएंट्स? आलू गोभी है, चने है, पनीर है भाई, पनीर आलू गोभी है भैया, मिस्सी रोटी ला दो, मिस्सी रोटी भाई। खाना खाने के बाद बात करते हैं खाना खाते समय खाने की, और ब्लैक डॉग थी वो खत्म हो चुकी है। केड़ी 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 पीस थी ब्लैक डॉग, काला कुत्ता। अच्छा जी ब्लैक डॉग हमारे ब्राने पी थी, किन पैक लाए थे? जतिन जुनेजा जी ने, ये जतिन जुनेजा जी, कितने पैक लाए थे? दो तो दो पैक लाए, देखो टंगड़ी आ रही है, चलो कोई नहीं दो। वो देखो टंगड़ी आ रही है, दो माड़ी कल नहीं आएगी। कह रहे थे आपने कितने पी थे आप? कौन, मैं नहीं पीता टंगड़ी। जैसे कि आप देख रहे हैं फेरे चल रहे हैं और हम सारे बैठे हैं,
कैसा फील हो रहा है अमृत भाई? बहुत टाइम बाद शादी देख रहा हूँ, बहुत अच्छा फील हो रहा है। और हम बहुत टाइम हो गया, अराउंड तीन मोर देन थ्री इयर्स हो गए हम अब मिले हैं जाके। मैं अमृत भाई, इंतकाब, जतन। सो काफ़ी अच्छा लग रहा है, तीन से चार साल हो चुके हैं दोस्तों की शादी, बहुत टाइम बाद आए हैं भाई, काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी साल हो गए, मज़ा आ रहा है। इवन मैं बात करूँ मोहित की, जिसकी शादी है, तो उससे भी मैं अराउंड तीन साल हो चुके हैं और अब मिल रहा हूँ मैं पेंडेमिक के पहले। नहीं, वीडियो कॉल तो होती है, बट लगता है जितनी सेटिंग से वीडियो कॉल होती है उतनी करीब मोहित से होती है वीडियो कॉल। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है एक्चुअली। में क्या है, लाइव जो होता है ना, जैसे हमने अभी लाइव बैठा है, वो चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं कुछ टाइम पहले मिला था मोहित भाई से, कुछ टाइम पहले मिला था, वो आए थे मिलने के लिए, लेकिन उतनी ज़्यादा भी मुलाकात नहीं होती, मैं खुद भी फ्री नहीं होता। डायरेक्टली जो शादी में मिलने के लिए आए, काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो गाइस बहुत मस्त एक्सपीरियंस रहा, कैसा रहा, मतलब कैसा लगा शादी में? फुल मस्ती, एंजॉय, एंटरटेनमेंट, तो सारा से मिलके बहुत दिल खुश हुआ, बड़े साल हो गए। थैंक यू जतन भाई, इस भाई से मैं पहली बार मिला लेकिन दिल के बहुत अच्छे लगे मुझे। और अमृत भाई कैसा लगा? बहुत बढ़िया, बहुत मजा आ रहा है शादी में, आप लोग भी होते। अमृत भाई से मैं मिला, बहुत अच्छा लगा, अपने एकदम जिगरी याद जैसे, बिल्कुल। तो काफ़ी अच्छा लगा गाइस, और ये थी मेरी आज की वीडियो, आई होप सो आपको अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको अच्छी लगी हो, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट प्लीज़ यार, प्लीज़ कर दीजिए गाइस। और मैं आपको मिलता हूँ ऐसी नई वीडियोज़ में, ऐसे नए ब्लॉग्स में, और मिलते हैं जल्दी। थैंक यू सो मच, बाय, अल्लाह हाफिज़, सबका खैर, गुड नाइट, थैंक यू सो मच, सत श्री अकाल, बाय।